आप देख रहे हैं वसई सत्ता एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसईपुर डी मार्ग से सटे हुए कैलाश टावर में एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है कैलाशपति काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 13 जनवरी से ही जारी था, जो कि आज 16 जनवरी को खत्म हुआ है। 15 जनवरी को कलश यात्रा व नगर भ्रमण के बाद शाम को भगवान को पूरे मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया। 16 जनवरी की सुबह अभिषेक आदि करके भगवान की पूजा अर्चना की गई। इसी मंदिर के दर्शन करने के लिए विशेष रूप से आमदार क्षितिज ठाकुर सहित कई पूर्व नगर सेवक भी यहां पहुंचे। यहां मंदिर में दान करने वालों की सूची भी लगाई गई है। बहुत कम सोसाइटियां ऐसी हैं जहां इस तरह के मंदिर बनाए जाते हैं। ये मंदिर काफी खूबसूरत बनाया गया है। इसकी लाइटिंग भी इस तरह से की गई कि ये और भी खूबसूरत लगने लगा है। मंदिर के साथ साथ पूरे कॉम्प्लेक्स को लाइट से सजाया गया है। हर घर में भगवान का ध्वज लगाया गया है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मुख्य मंदिर के बाहर जहां गणपति जी को बिठाया गया है, एक ओर, दूसरी ओर हनुमान जी भी विराजे हैं। ये भी मंदिर की खूबसूरती को जहां बढ़ाते हैं, श्रद्धालुओं में भक्ति भाव भी बढ़ाते हैं। अंदर देखें तो एक बड़ा सा अच्छा सुंदर शिवलिंग है और सामने ही और देवी देवताओं को भी बिठाया गया है, जो कि मन को विभोर कर देता है, मन को आनंदित कर देता है। और मंदिर के बाहर ही कछुए को भी और नंदी को भी जगा दी गई है। ने मंदिर का सपना किया है, भगवान का भगवान को लाया है, तो क्या प्लानिंग थी? कैसे पहले से प्लानिंग था सोसाइटी में बनाने का? एक्चुअली प्लानिंग पहले से था, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का नाम ही कैलाश टावर है। तो भगवान भोलेनाथ का, यानी क्योंकि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का ही, भगवान शिव जी का जो है मंदिर स्थापित करना था हम लोग का। ये जब हम लोगों ने बिल्डिंग में एंट्री किया तभी हम लोग का उद्देश्य था कि हम लोग ऐसा करेंगे। उसका एक प्लानिंग, एक हम लोग फिर हम लोग एक 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 प्लेटफॉर्म पर आए, सारे लोग को इकट्ठा किए और एक प्लेटफॉर्म आने के बाद फिर हम लोग मंदिर का जो निर्माण करना शुरू किए। और आज आप देख रहे हैं, आपके सामने है मंदिर, और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से कोशिश किया गया है। और जितने भी फिर उसके बाद हम लोग उसको एक तरीके से स्थापित किया गया और आज आपके सामने है। तो 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है लगभग ना? ये जी 3 दिन से कार्यक्रम स्टार्ट है। तो ये मतलब मंदिर अभी सभी के लिए रहेगा या खाली कैलाश टावर वालों के लिए? एक्चुअली मंदिर तो कैलाश टावर के लिए ही रहेगा। हाँ, एक बात हो सकता है, क्या ये काम हम लोग जब तक हम लोग मीटिंग करने के बाद हम लोग ये प्लानिंग कर सकते हैं कि जैसे महाशिवरात्रि है, रामनवमी है, तो ऐसे में जो है हम शायद है कि लोगों के लिए, सार्वजनिक लोगों के लिए कोई भी शिव का मंदिर नहीं है, शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए कौन कौन से बड़े गणमान्य व्यक्ति आए? गणमान्य व्यक्तियों में हमारे यहाँ पे आज चीते दादा हैं, चीते ठाकुर जी, जो कि हमारे यहाँ के आमदार हैं, नीलेश देशमुख सभापति, पंकज देशमुख, अपना तिकोरी मिश्रा जी आए हुए, ऐसे करके बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए और यहाँ से दर्शन करके जा रहे हैं। हर हर महादेव। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।